एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी बहुत सारी ड्रेसेज हैं एकदम टाइट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो फाइनली मैंने अपने लिए कुछ ड्रेसेज मंगाई हुई हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है ट्राई ऑन हॉल। मैं आपको पहन के साइड में वीडियो भी लगा दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं या ड्रेसेज साड़ी कुछ भी चीजें हो गई ना, मतलब देखने में समझ में नहीं आती, पहनने के बाद उनका लुक अच्छे से समझ में आता है। अभी फिलहाल में मैंने एनिवर्सरी पे साड़ी पहनी थी, और उस साड़ी को मैंने साड़ी हॉल वीडियो में भी शेयर किया हुआ था, लेकिन मैंने ट्राई ऑन हॉल में पहन के नहीं दिखाई थी वो साड़ी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपने ये साड़ी कहाँ से ली। तो साड़ी मैंने अमेजोन से ली थी, और ये ड्रेसेज भी मैंने अमेजोन से ही ली है, क्योंकि अमेजोन पे सेल चलती रहती है, तो मैं ऐड टू कार्ट करके रख लेती हूँ। जब भी सेल आती है तो मैं ले लेती हूँ, सेल का फायदा उठा लेती हूँ। हर किसी को उठाना चाहिए, हर किसी को बचत करनी चाहिए। तो चलिए वन बाय वन में स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका, जब मैं कमेंट रीड करती हूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ। और इन सारी ड्रेसेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए और बातें हम करते हैं बाद में, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मेरी फर्स्ट फेवरेट ड्रेस है, ये है एक जंप सूट। इस टाइम पे मैं सोच रही थी, मैंने जंप सूट कभी लिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने जंप सूट लिया हुआ है। और ये सिलेक्ट करने में, ये सारी ड्रेसेस सिलेक्ट करने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। वो बहुत कम करवाते हैं, बोलते तुम्हारी मर्जी हो ले लो करके, बट फाइनली उन्होंने बोला कि हाँ ये वाला ले लो, कलर वगैरह उन्होंने ही चूज किया है। मैंने उनको ऑप्शन दिए थे बहुत सारी ड्रेसेज, उनमें से सिलेक्ट उन्होंने ही करी हैं। तो फाइनली मैंने मंगाया हुआ है ये जंप सूट, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। पहनने के बाद इतना अच्छा लुक आ रहा था ना, इतना अच्छा लुक आ रहा था। मैं सोच रही थी जंप सूट ना थोड़ा फिटिंग में प्रॉब्लम होती होगी, कुछ होता होगा, बट इसमें सच में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है कि अभी तो मेरा पेट वेट निकल रहा है और हेल्दी भी हो गई हूँ थोड़ी सी, तो इस वजह से मुझे लग रहा था क्या पता अच्छा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं मतलब अगर अच्छा नहीं लगेगा मेरे ऊपर, अच्छा नहीं आएगा तो मैं वापस कर दूंगी, बट फाइनली मुझे इतना पसंद आया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक और मंगा लूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है जंप सूट, और इसका राउंड नेक है। इसकी स्लीव्स तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, आप लोग देख सकते हो, फ्रिल वाली स्लीव्स हैं, चार फ्रिल लगी हुई हैं, पास से आपको समझ में आ जाएगा। पहनने के बाद लुक इसका बहुत ही अमेजिंग आ रहा है, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता जो पहनने के बाद निकल के आता है। और यहाँ पर ना चिन्नेट दी गई है, तो यहाँ से कुछ ऐसा नहीं लगता, अजीब सा ऑकवर्ड जैसा फील नहीं होता। मैं सोच रही थी कि जंप सूट पहनने के बाद यहाँ से अगर किसी का पेट निकला हुआ होगा तो अजीब सा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मैं साइड में वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका पहनने के बाद, बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है। तो इसको कहीं आप बाहर जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, पहन के जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। फ्लैट के साथ पहन सकते हो, वैली के साथ पहन सकते हो, हाई हील्स के साथ पहन सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको पहन सकते हो, और गले में हल्का सा कुछ डाल लो, बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। और ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिला हुआ है, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, प्रिंटेड भी है, प्लेन भी है, बट मेरे हस्बैंड ने यही सिलेक्ट किया तो फिर मैंने यही ले लिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने लिया हुआ है जंप सूट, और इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड वन मैंने ली हुई है एक ड्रेस, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे, सेम फैब्रिक लग रहा है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसका थोड़ा मोटा लग रहा है, इसका थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन वैसे सेम टू सेम फैब्रिक लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये सबके कलर मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे हस्बैंड ने ही चूज किए हुए हैं, तो ये उन्होंने इनमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रिंटेड भी मिल जाएगा, इसमें प्लेन भी था, प्रिंटेड भी थे, और इसमें भी प्लेन थे, प्रिंटेड थे, बट ये भी मैंने प्लेन लिया हुआ है, ये भी मैंने प्लेन लिया हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे प्लेन ही ले लो। ये पर्पल कलर मेरे पास था नहीं, तो फाइनली फिर मैंने यही ले लिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका भी राउंड नेक है, आप लोग देख सकते हो, इसमें भी स्लीव्स पे फ्रिल है, लेकिन डिजाइनर फ्रिल है, मैंने ऐसे ही रख दी थी तो सिल्वर्ट पड़ गई है थोड़ी सी, पहनने के बाद लुक समझ में अच्छे से आ जाएगा इसका। और देख सकते हो ये मेरा थोड़ा साइज बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा एक साइज बढ़ के लेती हूँ, जिसके आपको पता ही है। और ये है ड्रेस, वो जंप सूट था, आप लोग देख सकते हो नीचे से इसमें लगी हुई है फ्रिल, काफ़ी अच्छी लग रही है। आप इसको सिंगल भी पहन सकते हो ड्रेस के रूप में, और आप इसको लेगिंग के साथ भी पहन सकते हो, जैसे कोई किसी को कंफर्टेबल फील नहीं होता तो वो लेगिंग के साथ भी पहन सकता है, वाइट लेगिंग के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और इस कलर की लेगिंग भी आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी लगने वाली है। लॉन्ग ड्रेस है, बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, एंकल लेंथ से थोड़ी ऊपर है, और साइड में वीडियो में नजर आ जाएगा आपको कि इसका लुक किस तरीके से आने वाला है। और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ी हुई है, 345 रुपये में क्या आता है, कुछ भी नहीं, इतनी प्यारी ड्रेस, बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। तो एक मैंने ये ड्रेस ली हुई है,
थर्ड वन मैंने ली हुई है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसका फैब्रिक भी बहुत अमेजिंग है, मतलब आप गर्मियों में पहन सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां आने ही वाली हैं, तो ये देख सकते हो ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही अमेजिंग ड्रेस है। और इस टाइप की ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती हैं, देख सकते हो नीचे से यहाँ पर इसमें इस टाइप की फ्रिल टाइप की दी हुई है, यहाँ से जॉइंट है, काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे से इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्कर्ट जैसा लग रहा है लेकिन स्कर्ट नहीं है, ये ड्रेस है। और इसकी स्लिप्स पे भी आप लोग देख सकते हो, ये इसकी स्लिप्स कुछ इस टाइप से हैं, इस पर डबल फ्रिल लगी हुई है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है ना। और इसका नेक इस कुछ इस तरीके का है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आपको बांधने के लिए ये मिल जाएगी, आप लूज टाइट कर सकते हो, बट फिर भी मैंने एक साइज बढ़ के ही लिया हुआ है क्योंकि लूज चल जाएगा, लेकिन इस टाइम पे मैं टाइट नहीं पहन सकती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप थोड़े हेल्दी हो, आपका टमी निकला हुआ है, तो आप इस टाइप की ड्रेस पहनते हो ना, टमी बिल्कुल भी नहीं दिखता है, काफ़ी अच्छी लगती है इस टाइप की ड्रेस, और आप ना इसे लूज टाइट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ये ड्रेस ली हुई है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसका साइड में वीडियो लगा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा इसका लुक। और फोर्थ वन मैंने प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए सारी ड्रेस ली हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आजकल मैं थोड़ा लूज लूज कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, देखने में भी लगता है और खुद को भी लगता है। फर्स्ट टाइम मैंने जंपसूट मंगाया हुआ है और फर्स्ट टाइम मैंने कप्तान मंगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये है येलो कलर में, इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक दिन के अंदर ही मुझे ये रिसीव हो गया था, मैंने इसे आज ऑर्डर किया था, ऐसे कल को छोड़ के परसों मुझे रिसीव हो गया था, आप लोग देख सकते हो प्यारा सा कफ्तान मुझे रिसीव हुआ है। और प्रेगनेंसी में काफ़ी काम आते हैं, अगर आप हेल्दी हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा सा लॉन्ग है और इसका लुक आपको समझ में आ जाएगा, मैं वीडियो लगा दूंगी। और इसके साथ मुझे ऑफ वाइट कलर का प्लाजो रिसीव हुआ है, आप प्लाजो पैंट है ये, थोड़ा प्लाजो भी नहीं है, प्लाजो पैंट भी नहीं है, थोड़ा सा लूज है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका फैब्रिक प्योर कॉटन का है, प्योर कॉटन का है, एकदम सॉफ्ट है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस टाइप की कुछ लेस लगी हुई है, जो कि ये कप्तान में भी लगी हुई है, देख सकते हो साइड में इसमें भी लगी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका लुक बहुत अमेजिंग आ रहा है, ये कलर तो खिल के आता है हर किसी पे, तो मैंने ये कप्तान मंगाया हुआ है, ये मुझे बहुत ही पसंद आई है सारी ड्रेसेस। तो ये ड्रेसेस मैंने मंगाई हुई हैं और इन सारी ड्रेसेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको अलग अलग लिंक भी मिल जाएगी और एक सिंगल लिंक भी मिल जाएगी माई हॉल स्टोर के नाम से, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इन सारी ड्रेसेस की प्राइस ओपन हो जाएगी कि ऑफर में ये मुझे कितनी की मिली हुई है, बहुत ही सस्ती मिली हुई है। और इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आप समर में वियर कर सकते हो। और अमेजन की तो अगेन एंड अगेन मैं आपको बताती हूँ कि डिलीवरी भी बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर ऑफर चलते रहते, तो आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपको पता है टाइम इतना नहीं मिल पाता, बट फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप सभी के मैं रिप्लाई करूँ। एक बार को मैं रिप्लाई नहीं करती, हर्ट भी देती हूँ, तो आप लोग समझ जाया कीजिए कि हाँ मैंने वो पढ़ लिया है। और थैंक यू सो मच, आप मुझे कमेंट करते हो, उन सभी का थैंक यू सो मच, आप मुझे लाइक करते हो, देखते हो, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।